हॉटस्पॉट सील कर दिए गए हैं। आपको बता दें कि 15 जिले पूरी तरीके से सील नहीं होने वाले हैं, सिर्फ हॉटस्पॉट पर कार्रवाई की जा रही है और इन हॉटस्पॉट को सील किया गया। तो आपको बता दें कहां पर कितने हॉटस्पॉट है। वाराणसी में 4, मेरठ में 7, बरेली में 1, फिरोजाबाद में 3, सहारनपुर में 4, लखनऊ में 12 हॉटस्पॉट्स हैं, शामली में 3, बस्ती में 3 और बुलंदशहर में 3 हॉटस्पॉट हैं जिनको सील किया गया। तो आपको बता दें कि 15 जिलों को पूरी तरीके से सील बिल्कुल नहीं किया गया है, सिर्फ इन जिलों में जो हॉटस्पॉट्स हैं उनको ही सील किया गया है। तो लखनऊ में 12, आगरा में 22, कानपुर में 12, सीतापुर में 1, नोएडा में 14 ये हॉटस्पॉट्स हैं जिन्हें अब सील किया गया है। कानपुर में 11। तो ये ग्राफिक्स के जरिए आपको दिखा रहे हैं कि पूरे यूपी में 15 जिलों में कहां कहां पे कितने कितने हॉटस्पॉट्स हैं और कौन कौन से हॉटस्पॉट्स को यहां पर सील किया गया। तो सीतापुर में 1 हॉटस्पॉट है जिसे सील किया गया है, लखनऊ में 12 हॉटस्पॉट्स हैं, कानपुर में 12 हॉटस्पॉट्स हैं, आगरा में 22 हैं और गाजियाबाद में 13 है। आपको बता दें हॉटस्पॉट वो जगह है जहां पर संक्रमितों की संख्या मिली है और इसी के लिए ये फैसला लिया गया है कि संक्रमण और ज्यादा ना फैले, इसी की वजह से ये फैसला लिया गया है और 15 जिलों के इन हॉटस्पॉट्स को सील किया गया है। तो यहां पर ये समझने की जरूरत है कि पूरे जिले को सील नहीं किया गया है, सिर्फ कुछ हॉटस्पॉट्स को ही, जिलों के हॉटस्पॉट्स को ही सील किया गया है। तो वाराणसी में 4, महाराजगंज में 4, लखनऊ में 12, कानपुर में 12, सीतापुर में 1, बरेली में 1, फिरोजाबाद में 3, बुलंदशहर में 3, मेरठ में 7, शामली में 3, सहारनपुर में 4, गाजियाबाद में 13, नोएडा में 12 और आगरा में 22 ऐसे हॉटस्पॉट्स हैं जिन्हें अब आज रात 12 बजे के बाद सील कर दिया जाएगा, पूरी तरीके से बंद कर दिया जाएगा।